हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है मुझे कमेंडा जोमेटो से 90 दिन के अंदर 1,00,000 रुपये। आज अपना डे 44, आज तारीख 8 अगस्त, दिन वीरवार, संडे के बाद आज वीरवार को काम करने के लिए निकला हूँ। एक्चुअली यार संडे वाले दिन आप लोगों ने देखा मेरी बाइक वगैरह ख़राब हो गई थी, ऊपर से मेरे को फीवर था तो 10-12 किलोमीटर बाइक को विजिट करके मेरे को लाना पड़ा, उस वजह से फीवर काफ़ी बढ़ गया था। तो 2-3 दिन का छुट्टी लग गई मेरी। और यार जो कल परसों वीडियो डाली थी कि बंदा मिल नहीं रहा, उस बंदे की न्यूज़ मिली है कि वो बंदे की ना बॉडी मिली है सिविल हॉस्पिटल लुधियाना से। तो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं पता मेरे को, और ना ही उसके बारे में जब तक मेरे को कोई न्यूज़ मिलती है कहना सही है कि उसके साथ ये हुआ। बट बंदा ख़त्म हो गया यार, क्योंकि लेट नाइट काम कर रहा था, ये नहीं पता लूट को हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन यार दुख तो लगता है ना जब कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि बंदा ख़त्म ही हो गया यार, 2 दिन से मिला नहीं उसके मम्मी पापा, क्या यार उसका हो रहा होगा। 26 साल की उम्र थी सारी, उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब क्या ही करें, अब मैं बोलना भी छोड़ दूंगा कि रात को काम करना है करो, नहीं करना मत करो, क्योंकि आप लोग सुनते तो नहीं हो तो मेरे भी बार बार कहने का क्या फ़ायदा। अब हम देंगे अपने चैलेंज की तरफ ध्यान। आज देखते हैं यार, आज वही 21 ऑर्डर डिलीवर करने पर 225 का ऑफर लगा हुआ है। देखते हैं कि अपने को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या कितने का पेट्रोल लगता है, कितनी बाइक चलती है, सब कुछ आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग वाले पार्ट में पता लगेगा। तबीयत अभी भी मेरी प्रॉपर ठीक नहीं है, अभी भी हल्का फुल्का थकावट जैसा माहौल बना हुआ है, बैक पेन हल्की फुल्की हो रही है। बट छुट्टी भी कितनी करूँ यार, घर के खर्चे भी तो निकालने होते हैं ना, तो उस वजह से ये सोच करके मैं आ चुका हूँ। बाकी अपनी गिग वही 9 से 11, 11 से 12 ब्रेक, 12 से 6, 6 से 7 ब्रेक, 7 से रात 10 बजे तक बुक है। पता ये तो डे के एंड में ही पता लगेगा कि कितने की अर्निंग होती है, मिलते हैं सीधा। सो यार अभी 9 बजे भी नहीं थे, आईडी मैंने 5 मिनट पहले ही ऑन कर ली थी और अपने पास ऑर्डर आ रहा है 21 रुपी का, 2.2 किलोमीटर का पिकअप है, 1.2 किलोमीटर का ड्रॉप है, मोम किचन के पास से उठाने जाना है, इधर से चार्जिंग वगैरह उतार लेते हैं। यार देखो गिग मैंने ना भले ही अपनी बुक करके रखी है, लेकिन मेरी बॉडी जिस हिसाब से रिएक्ट करेगी ना मैं उस हिसाब से काम करूँगा। ऐसे नहीं है कि भाई मैं पूरा धक्का कर दूँगा अपनी बॉडी के साथ, बिकॉज़ अभी भी मेरे को देखो मैं काम पर तो आ गया, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है ना कि भाई क्या ही बोलूँ। बस आप लोग खुद समझ सकते हो कि 104, 105 बुखार के बाद क्या ही बॉडी का हालत हो जाती है, तो वही कुछ हालत मेरी है। और अपनी बाइक भाई मैंने इसका ना इंजन का ओवरऑल करवा ही लिया यार, इसके ऊपर लगा टोटल 4380 रुपये लगे हैं। इसका जो बिल बनकर आया था ना, मतलब जो जो सामान इसमें पड़ा उसका स्क्रीनशॉट मैं साथ में अटैच कर दूंगा, एक बार आप लोग देख लेना। एक तो भाई पिस्टन किट पड़ी थी, टाइमिंग चेन पड़ी थी, क्लच प्लेट्स पड़ी थी, मूवल डला, और भी काफ़ी सामान पड़ा था यार इसमें, मैं लिस्ट साथ में अटैच कर दूंगा। मोम किचन यार मॉडल ग्राम, भाई बादल बादल तो लग रहा है यार ऊपर, ये देखो बारिश आएगी तब भी ठीक है, नहीं आएगी तब भी ठीक है। अब इन लोगों ने ना यार कुछ अपडेट लाए हैं, एक जैसे लाइक 300 का ऑफर लगा है, हमने बारिश में 4 ऑर्डर लगा दिए तो ये ऑफर है ये 15% अप हो जाएगा, लाइक 345 का हो जाएगा। हमने 10 ऑर्डर बारिश में लगा दिए जो 30% अप हो जाएगा ऑफर, 300 का ऑफर था हम कंप्लीट करते हैं ये 390 का बन जाएगा, तो ऐसा कुछ सीन कर रखा है। और बारिश के जो पैसे मिलेंगे भाई वो तो मिलेंगे ही मेरे ख्याल से, मतलब जब बारिश आएगी ना पता तभी लगेगा कि ऑफर ही बढ़ेगा या हमें बारिश का 10-15 रुपी जो एक्स्ट्रा मिलता है वो भी मिलेगा, वो जब होगा तब पता लगेगा, बाकी आज बारिश वाला माहौल हो तो रहा है। सो फाइनल यार ऑर्डर तो पिक कर लिया मैंने, यहाँ से पिक ऑर्डर कर लेते हैं। ये यार वही भारत नगर सीता नगर की साइड लेकर जाना है, 1.2 किलोमीटर का पिकअप शो कर रहा है, इधर से इसको टाइट कर ले, मैप खोल करके चलते हैं भाई डिलीवर करने, इधर से मैप बंद कर देते हैं, ऑर्डर डिलीवर कर देते, 20 रुपये अंदर करते और फिर इधर से घंटा घर उठा लेगा अपने को, जहाँ तक मेरे को लग रहा है 20 रुपये मिले हैं। तो चलो भाई दिन का दूसरा ऑर्डर भी आ रहा है अपने पास, सरताज स्वीट से आ रहा है, 1.18 किलोमीटर का पिकअप है, 6.17 किलोमीटर का ड्रॉप है, अरे भाई बहुत ही कम रेट मिल रहा है, लगभग 8 किलोमीटर के 44 रुपये दे रहा है यार, क्या बात क्या बात।
ये रहा भाई सामने सरताज स्वीट। आज तो इसके बाहर पार्किंग वार्किंग में कोई इशू नहीं है, नहीं तो भाई इसके बाहर पार्किंग का ही वही नहीं होता। सबसे पहले अपना काम रहता है रीच पिकअप करके, ऑर्डर रेडी है, ऑर्डर तो रेडी है भाई, सेल्फी मांग रहे हैं, सेल्फी वगैरह देते हैं फिर देखते हैं जाना कहाँ पर है। सेल्फी वगैरह दे दी यार, ऑर्डर पिक कर लिया, ऐप से बस पिक मार करना है अभी, और जो जाना है यार डाबा रोड में, हाँ मेरे को मेरे घर की तरफ भेज देता है भाई, फिर मेरा आने का दिल नहीं करता उधर से। यार घर की तरफ मत भेज जोमेटो यार, पहले मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, फिर मैं उधर घर जाके बैठ जाऊंगा। 286 कैश कलेक्ट कर लिया मैंने, ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने, 44 रुपये अंदर कर लिया मैंने। अभी यहाँ से वापस जाऊँगा, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर उठाऊँगा, पता नहीं कस्टमर का पेट भर पाऊँगा, ये जाकर पता लगेगा। ये क्या है? One hour later. चलो भाई 11 से 12 अपनी ब्रेक थी, 12 बजे ऑलरेडी लॉगिन की थी, 12:08 पे अपने को ऑर्डर आ गया, कुलचा लैंड के पास से उठाने जाना है। 1 किलोमीटर का पिकअप है, 3.6 किलोमीटर का ड्रॉप है, 36-35 रुपए का ऑर्डर है। अभी तक मैंने क्या किया वो भी बता दूं यार आप लोगों को, लगभग 2 घंटे में 4 ऑर्डर डिलीवर करके 121 रुपए की अर्निंग अपनी हो चुकी है भाई। अर्निंग नॉट बैड, बट इसमें लास्ट ऑर्डर में एक पंगा हो गया था, कस्टमर की लोकेशन 3.6 किलोमीटर थी लेकिन वो लोकेशन रॉन्ग थी, उसने मेरे को अलग लोकेशन पर बुलाया 8 किलोमीटर अलग, लेकिन उसके मेरे को 31 रुपए ही मिले हैं। कंपनी को मैंने टिकट तो डाल दी कि 8 किलोमीटर में अलग से गया था, क्या पता मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं, अगर मिल जाएं तो सही रहेगा, अगर नहीं मिलेंगे तो भाई लॉस ही होगा अपना, क्या किया जाए यार, करना पड़ता है जाना पड़ता है। अभी चलते हैं अपना आज का ओवरऑल 5वां ऑर्डर उठाने। ये देखो भाई बादल देखो ऊपर रुई जैसे कितना बढ़िया लग रहा है ना, पर देख कर ही मजा ले रहा हूँ, बस बरस नहीं रहा जी, जिस वजह से हुम्मस हुई पड़ी है यार। सो यार ये ऑर्डर मैंने पिक कर लिया, इधर से पिक कर लेते हैं, ये 12 अमृतसरी कुलचा है यार, इसमें रखते हैं इसको यहाँ पर, और ये जाना है हैब्बोवाल में जाना है यार, चलते हैं भाई डिलीवर करने यार। अभी ना थोड़ा खींच करके काम करना पड़ेगा मेरे को, एक्चुअली तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है, मेरे को ये नहीं पता मैं पूरा दिन काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ जब तक भी काम कर पाऊँगा पूरी एनर्जी के साथ भाई देखो एनर्जी के साथ काम नहीं करूँगा ना तो वो फिर आदत बन जाएगी कि ढीला ढीला ही काम करता जाऊँगा मैं, वो आदत मेरे को अपनी नहीं बनानी ना, मेरे को एनर्जी के साथ काम करना है फिर ही मेरे को मज़ा आता है। जैसे अभी थोड़ी एनर्जी भरी मैंने, अभी मेरे को थोड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में भी, एक तो यार बाइक का इंजन भी करवाया ना, बाइक भी मेरे को सुस्ती में चलानी पड़ रही है 40 से नीचे नीचे, तो उस वजह से भी थोड़ा सुस्ती छाई पड़ी है यार, कहाँ तो मैं 50 तक बाइक को खींच करके जाता हूँ, एक्चुअली यार मेरे से ज़्यादा स्लो चलती ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे को, जब मैं स्लो बाइक चलाता हूँ ना मेरे को डर लगता है कि मेरे पीछे से कोई आके ठोक के चला जाएगा मेरे को, अगर मैं 30-40 से नीचे चलाऊंगा ना तो मैं बिल्कुल ही इस साइड रहूँगा, बिल्कुल ही सेफ, बार बार पीछे देखता रहूँगा कि भाई पीछे से कोई तेज़ तो नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। एक्चुअली यार 100 cc की आदत नहीं है ना, शुरू से 150 cc से नीचे कभी चलाई ही नहीं थी बाइक, ये मेरी फर्स्ट बाइक है जो 150 cc से नीचे तो है, 100 cc से भी नीचे है, 96-97 cc है यार। यार कई लोग ना कॉल ही नहीं उठाते भाई, ऑर्डर कर रखा है तो कॉल उठाओ ना, क्यों डिलीवरी बॉय को धूप में खड़ा करके रखते हो, कॉल उठाई नहीं रहे थे, उठाई नहीं रहे थे, ऊपर से लोकेशन का पंगा हो जाता है फिर 34 रुपए मिले इसके। यार इधर बाइक सी इतनी ज़्यादा खड़ी है तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि ऑर्डर मिलेगा यहाँ से हमें। सराबा नगर में वापस आ गया, यहाँ पे लगा देते हैं अपनी बाइक, बाइक लगाने से पहले ही अपने पास ऑर्डर आ गया न्यू दिल्ली रियासत से 20 रुपये टिप के साथ, बाइक लगाने ही लगा था भाई, बट बढ़िया हो गया ये तो। अरे यार उधर से ही तो मैं निकल के आया, इधर से जब निकल के आया तब ऑर्डर मिला, जब 1.5 किलोमीटर इधर उधर हो गया फिर ऑर्डर मिला मेरे को। चलो कोई नहीं भाई चलते हैं ऑर्डर उठाने अपना। ऑर्डर यार पिक कर लिया, 20 मिनट लग गए इसको भी पिक ऑर्डर करके, 1-star रेटिंग, लॉन्ग वेटिंग टाइम, कस्टमर अटका लेता है, रेस्टोरेंट अटका लेता है, दिमाग खराब इधर राइडर का हो जाता है, क्या करे राइडर भाई, राइडर बेचारा बेचारा क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर डन डन डन, 20 टिप थी इसमें, 26 रुपए का ऑर्डर था, 47 मिले ओवरऑल, नॉट बैड, 6 ऑर्डर हो गए अपने।
सो यार पवेलियन मॉल से अपने पास ऑर्डर आ गया 1.2 किलोमीटर का पिकअप है, 3.7 किलोमीटर का ड्रॉप है, 37 रुपी में नी हाओ करके है, उसके अंदर कोई थर्ड फ्लोर में शो कर रहा है यार। एक्चुअली नी हाओ मेरे को नहीं पता भाई, पहली बार उठाने जा रहा हूँ यार, जो भी होगा चलते हैं। नी हाओ भाई ये कौन सी लैंग्वेज हुई वैसे? नी हाओ चाइनीस या जापानीस, जैपनीस या चाइनीस, इनमें से ही कोई लैंग्वेज है यार। जब हर रेस्टोरेंट टाइम खराब करने लग जाए ना तब मज़ा नहीं आता यार काम करने में। इधर बाइक कैसे निकालूंगा अब, सुबह से सारे रेस्टोरेंट ऐसी तैसी पेल रहे हैं भाई, छोटे छोटे ऑर्डर हैं, कोई 20 मिनट लगा रहा है, कोई आधा घंटा लगा रहा है भाई, देखना यार थोड़ा। ये जाना तो मेरे को शराबा नगर की साइड ही है ऑर्डर लेकर के। ये भाई आज तो यार भगवान भी जा रहा है कि काम मत कर, डिलीवर कर दिया जी वाला। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ऊपर नीचे आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो तबीयत वैसे ख़राब है, ऊपर नीचे होने की वैसे ना जो हल्की फुल्की एनर्जी है वो भी ख़त्म हो रही है। आईडी बंद कर रहा हूँ भाई, बहुत हो गया आज का, चलते हैं घर क्योंकि थकावट हो गई मेरे को हल्की फुल्की। सो ज़्यादा थकावट हो जाएगी तो फिर फीवर ना हो जाए, डर भी लगता है यार क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा फीवर की वैसे छुट्टियाँ लग रही हैं ना। सो आराम से काम करूँगा एक दो दिन, हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे का तो अपना भाई टारगेट है एटलीस्ट 4000 प्लस का काम तो करना ही करना है, जैसे भी करना है मेरे को नहीं पता, बस करना है तो करना है। क्या बात है सर। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं घर में आ गया था यार, और मैं काम नहीं कर रहा था आगे बिकॉज तबीयत ख़राब है। और अभी ना मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, उसकी बाइक पंचर हो गई, वो बोला ऑर्डर उठाया है मैंने, अगर डिलीवर नहीं करता तो एक तो पेनल्टी पड़ेगी, अगर ट्रांसफ़र वगैरह करता हूँ तो इंसेंटिव मरेगा 250 का जो आना था। तो उसने मेरे को कॉल किया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसका ऑर्डर उठाऊँगा, डिलीवर करूँगा, फिर उसके पास जाके उसकी बाइक वगैरह पंचर वगैरह लगवाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन बनाया है, कृष्णा मंदिर के पास में खड़ा है वो। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं भाई, 20-30 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भाई आज उसको दिक्कत आई है, कल मेरे को दिक्कत आएगी तो वो भी तो काम आएगा ना फिर। तो ऐसे ही चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, घर में आराम कर रहा था, फीवर है मेरे को, दवाई वगैरह खाई हुई है, बट उसकी कॉल आ गई, मैंने सोचा चले जाते हैं यार, अभी उसके पास जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। एक तो यार हेडफोन के ऊपर मैंने आज कपड़ा वपड़ा लपेटा हुआ है ना, तो मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं जा रही, तो मैं भाई को पूछ रहा हूँ भाई कहाँ पर हो, उसको आवाज़ नहीं जा रही, तो मैंने बोला ऊँची बोल के कहा कि भाई लोकेशन सेंड कर दे अपनी, भाई ऐसे नहीं चलेगी बात, ऐसे तो फिर मैं घूमता रह जाऊँगा, ऐसे तो भले ही 12 बज जाए तुम मिलोगे ही नहीं। हाँ लोकेशन आ गई मेरे को, लोकेशन खोलते हैं, इधर ही कहीं कह रहा है गुरुद्वारा साहब के पास में खड़ा है, 200-400 मीटर का ही फ़र्क होगा इधर से, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ 300 मीटर का ही फ़र्क है। सही है भाई सही है, इधर कहीं पेट्रोल पंप है, उधर कह रहा है कि उधर खड़ा है। इधर वाला पेट्रोल पंप यार एक्चुअली मेरे को याद नहीं है यार कौन सा है पेट्रोल पंप, इधर पेट्रोल पंप पर एक्चुअली वो देखने आया होगा ना कि इधर कहीं मिल जाए अगर। नो गाली ब्रो, नो गाली, वीडियो बन रही है। ओके ब्रो। और ब्रो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये जाना कहाँ पर है? नियर पुलिस चौकी श्याम नगर। कितने किलोमीटर है? 3-4 किलोमीटर होगा। हाँ 3 किलोमीटर है बस। ओके सो लोकेशन मेनू ने टिड्डिया मिड्डिया पा रहे हैं, ऑर्डर ही नहीं पूरा हो दे रहे साले। ओए गाली नहीं, गाली नहीं, ये कौन सा चौक है ये? अच्छा भारत नगर बस अड्डे के पास होटल होगा कोई, ये तो होटल का ऑर्डर है मेरे ख्याल से। लगता मेनू वही है। चलो लोकेशन वेरीफाइड थी, अपना कोड दसो 2 मिनट। 8077 बस ये मैं भूल गया। 8077 है ना, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੌਗ ਆ ਠੀਕ ਆ 8077 ਬਸ ਡਨ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਓਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਮੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। मैं क्या, मैं 15 मिनटों के बीच बीच आ रहे हैं, टेंशन ही ना लवो, चलते ऑर्डर डिलीवर करने अब। ओके यार ये सुनसरान सी गली में भेज दिया मेरे को, ऐसी गलियों में मैं आकर तो मैं राजी नहीं हूँ अकेला, इस टाइम ऊपर से कैमरा लगा हुआ है मेरा, थोड़ा रिस्की माहौल बन जाता है, बट
थोड़ा तेज करके निकलते हैं, पहले डिलीवर करते हैं ऑर्डर। रीच ड्रॉप हो जा यार। मेरे अपना ऑर्डर सिखा, एक्चुअली मेरे फ्रेंड था ना, हेलो फ्रेंड था ना, बाइक पंचर हो गया सी, मैं अलग तो लेके आ रहे हैं ऑर्डर, ठीक है, तां लेट हो गया। ओके सर, चलो भाई, कस्टमर को थोड़ा मैंने बता भी दिया कि इस वजह से लेट हुआ है। भाई देखो, हमारी वजह से अगर कोई दिक्कत होती है तो हम पहले अपोलोजाइज मांग लेते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। हाँ, अगर रेस्टोरेंट की वजह से हो भाई, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस सिनेरियो में। उस सिनेरियो में कस्टमर हमें ही गाली देते हैं। चलो, ये इसमें अपनी गलती भी नहीं कह सकते, ये तो अनफॉर्चुनेट होने वाली चीज़ है। गलती तो होती अगर हम जानबूझ करके लेट कर रहे हैं, इसमें गलती नहीं कह सकते। बट हाँ, जो भी हुआ हमारे इधर से हुआ ना, हमारे एंड से लेट हुआ, तो कस्टमर को सॉरी बोलना, उसकी जगह मैंने सॉरी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर समझ गया यार, उसको बोला था मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, वो इधर है ही नहीं। अब बोले कहीं पीछे बाइक बनवाने गया है। मेरे को तो भाई पता नहीं, ना उसके पास अब मोबाइल है ना कुछ और है, कहाँ से बाइक बनवा रहा है कहाँ से नहीं बनवा रहा भाई, नो आइडिया। कहाँ ढूंढूं उसको अब मैं। ये खड़ा है। लग गया पेंचर, चलो हलो, होल्ड किया थोड़ा ऑर्डर में। अच्छा, डिलीवर पेट से, ठीक है, नहीं डिलीवर मार दिंदा फिर अगला ऑर्डर पैंदा फिर। अच्छा, पेंचर वाला सीगा, मैं कहा पंप ने कह के आया सीगा मैं। हां, चलो मैं निकला फिर। ओके चलो, ओके है ना, ठीक है, चलो ठीक है ना, 10 बजे डिलीवर मार दियो, कंपनी नु फोन मार दियो। जे ही ऐसे लालच करते हैं ना जब के भाई 10 बज गए, अभी दो ऑर्डर रह रहे हैं, मैं दो ऑर्डर और लगा ही लेता हूँ। ये लालच ना बुरी बला है, यही लालच बंदा कुछ से कुछ करवा देता है। अभी उस दिन वो बंदे के साथ जो हुआ, अभी थोड़ी देर पहले उसके भाई का मेरे को मैसेज आया, बोला वो रात को काम कर रहा था, रात को बाइक तेज चलाते हैं, नॉर्मल सी बात है भाई, रात को लूट को के डर से बाइक तेज चलाते हैं हम लोग क्या सभी डिलीवरी बॉयज। तो उसकी बाइक के आगे कुत्ते आ गए, उसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया, पुलिस वाले आ गए मौके पर। पुलिस वालों ने सराबा नगर में इतला किया कि सराबा नगर के एरिए में एक्सीडेंट हुआ है बंदे का। ये बंदों ने भी सराबा नगर में कंप्लेंट लिखवाई थी कि हमारा बंदा नहीं मिल रहा, लेकिन सराबा नगर थाने वालों ने कुछ भी नहीं बताया उन लोगों को। तभी उसने मेरे को बोला था कि बंदा नहीं हमारा मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। चलो अब तो ये कन्फर्म हो ही गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, बट अगर देखा जाए लेट नाइट का ही साइड इफेक्ट है ना ये, लेट नाइट को डर के मारे तेज भगाते हैं बाइक, वही बनते हैं ना कारण ऐसे कांड के, चाहे लूट को हो चाहे एक्सीडेंट हो, वो लेट नाइट के डर की वजह से होता है मोस्टली। तो अब क्या ही कहें यार, चलो जो होना था वो तो भगवान के हाथ में है, हम तो सिर्फ अफसोस कर सकते हैं इस चीज़ का कि जो हुआ भाई बहुत बुरा हुआ। हाँ, भाई रहने दे यार, चलो ठीक है, ओके। हां 10:10 तो तुसी आप फोन कर दियो, कह लो डिलीवर नहीं मार्क हो रहा। लोल भाई, चलो अब मैं भी घर जाता हूँ, घर जाकर के यार वीडियो एडिट करूँगा। वीडियो एडिट करने ही बैठने वाला था मैं, बाइक की कॉल आ गई, चलो वही सोच लेंगे, आधा घंटा लेट सोया यार, बाइक की हेल्प तो हो गई, चलते हैं घर अब। सो यार, अभी मैं घर आ चुका हूँ, एक्चुअली फ्रेंड की हेल्प भी कर दी, दिन में थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, आज की टोटल अर्निंग वही 3.5 घंटे काम करके लगभग 300 के करीब हुई है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा देख लेना। यही था यार आज का दिन, उम्मीद करते हैं कि अपना फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छे से लगेगा, खींच कर लगेगा, अच्छी अर्निंग कर पाऊंगा मैं। मैंने एक टारगेट रखा है कि ये 3 दिनों में मेरे को 4,000 से 4,200 का काम करना है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बोनस हो जाएगा, बाकी देखते हैं कि कितने की अर्निंग होगी ये 3 दिनों में, अच्छा खासा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो बढ़िया लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में।